नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, चाइना और नेपाल के बीच में एक ऐसी खबर आ रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि चाइना के एम्बेसडर हैं जो नेपाल में हैं, उन्होंने नेपाल के एक पत्रकार को बहुत ही भला बुरा कहा है। बोला है कि आप झूठ बोल रहे हो किसी मुद्दे को लेकर के, और यहाँ तक ये भी बोल रहे हैं कि मैंने इससे ज़्यादा झूठ अपने जीवन में कभी देखा नहीं, कोई भी सुना नहीं जैसा झूठ ये पत्रकार बोल रहे हैं। और वो पत्रकार क्लेम कर रहे हैं कि मेरे पास प्रूफ है और मैं ये चीज़ें साबित कर दूँगा। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो चाइना को बहुत ही बुरी लग रही है और वो पत्रकार तक को टारगेट करने लगे हैं। तो दोस्तों खबर ये है कि नेपाल में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसके लिए चाइना ने नेपाल को लोन दिया था और ये सपने दिखाए थे कि 2025 तक यहाँ पे 280,000 पैसेंजर आएंगे, जिससे आपको खूब इकोनॉमिक फ़ायदा मिलेगा, प्रॉफिट आएगा आपको, इतने सारे टूरिस्ट होंगे तो पैसा ही पैसा होगा, तो आप हमसे लोन ले लीजिए और आप उस लोन से उसको डेवलप कर लीजिए। तो नेपाल को भी उस समझ में आ गया कि हाँ ऐसा कर लेना चाहिए और जिससे हमारे पास खूब कमाई ही कमाई होगी। उनको सपने दिखाए गए, उन्होंने सपने को साकार होता हुआ भी देख लिया, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। अब दोस्तों क्या था कि जो चाइना है उसने लोन का रेट बताया कि हम आपसे 2% चार्ज करेंगे, लेकिन सच्चाई में ये निकला 5%, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा होता है। 2% बोलकर 5% के पास चार्ज कर लिया, ऐसा कहा है उस पत्रकार ने जो नेपाल का है। उसने ये बोला कि मेरे पास प्रूफ है, गवर्नमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे मैं प्रूफ कर दूँगा कि आप 5% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हो, जो कि आपको 2% करना चाहिए। अब दोस्तों ये समझ लीजिए कि ये तो उसने इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करी, अब आपको समझाते हैं कि नेपाल फंसा कैसे। नेपाल दरअसल इसलिए फंस गया क्योंकि ये जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पे टूरिस्ट आते ही नहीं है, ये बिल्कुल सुनसान सा एयरपोर्ट है पूरा, यहाँ कुछ होता ही नहीं, कोई एक्टिविटी ही नहीं है, इसलिए वहाँ से कोई इनकम होती नहीं है। अब जब इनकम नहीं होती तो नेपाल अब उसका लोन कैसे पूरा करे, लोन तो छोड़िए उसका इंटरेस्ट नहीं पूरा कर पा रहा है कि वो चाइना को दे दे। अब दोस्तों इसके लिए नेपाल ने चाइना से एक रिक्वेस्ट की, वो रिक्वेस्ट ये थी कि आप इस लोन को ग्रांट में कन्वर्ट कर दीजिए और इस लोन को माफ़ कर दीजिए। तो चाइना ने भी साफ बोला, चाइना एक माइंडेड कंट्री है, वो रिलेशन वैसे ही बनाता है जिसमें वो आपका फ़ायदा उठा ले। उसने कहा देखिए ग्रांट अलग चीज़ होती है और ये है लोन, लोन लोन रहता है, ग्रांट जब देनी होगी तो हम आपको दे देंगे, लेकिन लोन को हम ग्रांट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इससे चाइना ने अपने मनसा बिल्कुल जाहिर कर दी और नेपाल को भी समझ में आ गया कि ये इंडिया नहीं है कि हमने कुछ बोला और वहाँ से चीज़ें हो गई, क्योंकि इंडिया तो नेपाल को अपना भाई मानता है, हमारे अच्छे रिलेशन रहे हैं। सोचिए दोस्तों, नेपाल ने भारत के जगह को अपने मैप तक में दिखा दिया है, यहाँ तक कि नेपाल जो करेंसी छाप रहा है उसमें भी वो अपना वो मैप दिखा रहा है जिसमें भारत की ज़मीन है, जिस पे सोचिए कि क्वेश्चन उठ रहे हैं, फिर भी भारत ने इनको 1,000 करोड़ रुपए, सोचिए 1,000 करोड़ रुपए दान के रूप में दिया। इनका जब वो हुआ था भूकंप वाली चीज़ें हुई थी तो भारत ने ये प्रोविज़न किया था, इनको दिया था, हम इनका सपोर्ट करते हैं, इनको अपना भाई मानते हैं नेपाल को, लेकिन नेपाल वाले अपने अलग ही दुनिया में रहते हैं, इनको पता नहीं क्या है, और अभी भी चाइना इनको लूटेगा और ये भारत के पास आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे मदद मांगने के लिए। मुझे तो नहीं लगता कि इनकी मदद करनी चाहिए, इनका जो भी एयरपोर्ट का होता है होने दो, चाइना इनसे लिखा लेगा ये
कि हमें लीज पे दे दिए 99 ईयर के लिए, कुछ इस टाइप से इनसे एग्रीमेंट वो कर लेगा, जैसे हम्बनटोटा एयरपोर्ट के साथ उसने कर दिया। हम्बनटोटा जो वो बना था सी पोर्ट श्रीलंका में, उसने 99 ईयर के लिए ले लिया लीज पर। ऐसा ही कुछ ये नेपाल के साथ कर देंगे, या तो नेपाल की कोई दूसरी का ज़मीन कब्जा लेंगे, कुछ ना कुछ चाइना कर लेगा इनके साथ, और ये और ऐसे ही रह जाएंगे। इनको समझ में आना चाहिए कि भारत की स्थिति क्या है, भारत हमारे लिए क्या मतलब महत्व रखता है, क्योंकि ये हमारी अच्छाइयों को नहीं समझते हैं। चाइना इनको लूट रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। दोस्तों अब इस पर कुछ अपडेटेड न्यूज आएगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।